नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं YouTube चैनल बिग जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बच्चों की एजुकेशन और मैरिज प्लानिंग के लिए हम किस प्रकार से प्रिपेयर रहे ताकि हमें उस समय बहुत सारा एक लमसम अमाउंट मिले और हम आसानी से वो गोल को अचीव कर पाए। तो यहाँ मैं एक बात करने जा रहा हूँ HDFC के एक ऐसे फंड के बारे में जिसमें कि 1 लाख रुपए का अगर किसी ने निवेश किया था तो उसे 73 लाख रुपए मिले। जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है और यह पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही हो सकता है, जिसमें कि आपने 1 लाख रुपए निवेश किया है। फंड का नाम है HDFC टॉप 100 फंड। 1 लाख रुपए का निवेश आज के दिन 73 लाख रुपए हो चुका है। तो क्या आपको विश्वास हो रहा है? नहीं हो रहा है, बट मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, डिटेल में बात करेंगे ताकि आप भी अपने बच्चों के भविष्य के लिए आज से प्लानिंग करें ताकि फ्यूचर में उनके गोल्स को अचीव हो सके। सबसे पहले तो एक एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। अगर आज हम आम का पेड़ लगाते हैं, यानी कि बीज लगाते हैं, आम का बीज लगाते हैं, तो वह फल कब देगा हमें? जब वो बड़ा होगा। ऐसा तो नहीं साल दो साल पांच साल में वो बड़ा हो जाएगा और हमें फल देगा। कम से कम 15 साल से 20 साल उसे समय लगता है बड़े होने में, उसके बाद जाकर वो फल देता है। हो सकता है कोई कोई गाछ पेड़ ऐसा भी होता है जो बाद में फल प्रदान ना करे, बिल्कुल भी उसमें कोई भी फल ना लगे। तो इसके लिए क्या है, हम ऐसा तो नहीं कि आज से पेड़ लगाना छोड़ दें। पेड़ लगाना हमारा काम है, बीज लगाना हमारा काम है। अब आगे क्या होगा नहीं होगा वो अलग बात है, बट यहाँ पर अगर पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो ये संभव हुआ है और रिटर्न मिला है। यहाँ डिटेल में देखेंगे आप। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पावर ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। जितना लंबे समय हम रुकते हैं उतना ही ज्यादा रिटर्न हमें मिलता है। तो इसके लिए आज से हमें सोचना होगा हमारे भविष्य के लिए। तो यहाँ मैं जो बात करने जा रहा हूँ HDFC टॉप 100 फंड के बारे में। ये जो प्लान है स्टार्ट हुआ था 11 अक्टूबर 1996 में। ये एक लार्ज कैप फंड है और उसकी अगर आज की AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट की मैं बात करूं तो 21,498 करोड़ है। इसमें आपका हमारा पैसा निवेश है इतना रुपए, 21,000 करोड़ रुपए के आसपास निवेश है। और आपका अगर आपने निवेश किया तो आपका पैसा इसमें है, अगर आपने नहीं किया है तो ये आपका पैसा इसमें नहीं है और इस प्रकार से ग्रो भी नहीं करेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखिए, लास्ट तक देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग भी इसमें निवेश करके अपने पैसों को बहुत 50 गुना 100 गुना तक डेवलप कर सके, ग्रो कर सके, जो कि मुमकिन है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के माध्यम से ही। तो इस फंड के जो टॉप 10 स्टॉक होल्डिंग की मैं बात करूं, देखिए जो लोग म्यूचुअल फंड से जानते हैं, म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं, तो वह है बहुत ही अच्छे से इस फंड को जानते हैं या म्यूचुअल फंड के लमसम SIP के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। बट जिन्हें म्यूचुअल फंड की नॉलेज नहीं है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जरूर से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा देखेंगे वीडियोस को, चाहे मेरे चैनल पे हो या किसी के भी चैनल पे, स्कीम को समझेंगे तो आपको इच्छा होगी स्कीम में निवेश करने की और आप भी अपने पैसे को ग्रो कर पाएंगे। तो टॉप 10 स्टॉक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री, ICICI बैंक, HDFC बैंक, इंफोसिस वगैरह बहुत सारी कंपनी है जिसमें कि इसने इन्वेस्ट किया है। अगर हम पर्टिकुलरली कोई कंपनी में डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करते हैं तो वो क्या तो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है या गिर सकता है, बट HDFC टॉप 100 के थ्रू अगर हम निवेश करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिला है। यहाँ पर मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से, आप देख सकते हैं चार्ट के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे इस परफॉर्मेंस इस फंड ने 1 लाख रुपए को 73 लाख रुपए में बना दिया है और कितने समय में बनाया है। तो ये फंड जैसे कि 11 अक्टूबर 1996 में स्टार्ट हुआ था तो NAV की इसकी वैल्यू थी 10 रुपए की। जो भी फंड स्टार्ट होता है 10 रुपए से ही स्टार्ट होता है। सबसे बड़ी बात यह है आज भी 20-25 साल हो गए तो भी आज भी जितने भी फंड स्टार्ट होते हैं सिर्फ 10 रुपए से ही स्टार्ट होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब स्टार्ट करना चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो किसी ने अगर 1996 में 1 लाख रुपए निवेश किया तो उसे 10 रुपए के हिसाब से 10,000 यूनिट्स मिल गए, जो कि 1 लाख रुपए टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया है उसका। अब यहाँ पर आप देखिए अगले 2 महीने के बाद ही, अक्टूबर के बाद दिसंबर में, उसका जो वैल्यू था 10 रुपए का 9.42 रुपए हो गया, यानी कि 1 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी 94,200 रुपए हो गई। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, बहुत सारे इन्वेस्टर ये सोचे होंगे अगर यही पैसा मैं 1 लाख रुपए बैंक में रखता तो मेरा बढ़ता नहीं तो कमता भी नहीं कभी भी, और अगर बढ़ता 2 महीने का जो भी इंटरेस्ट है वो मिल जाता, बट यहाँ पर कम हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये म्यूचुअल फंड में आपको पावर जो है वो लॉन्ग टर्म में ही दिखेगी, शॉर्ट टर्म में आप इसे भूल जाइए। अगर आपका नजरिया 3 साल से 5 साल से ऊपर का है तो ही आप इसमें आइए,
या फिर अन्यथा म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं एक साल के बाद 10 दिसंबर 1997 में 11.48 रुपए का इसका एनएवी हो गया, यानी कि 1 लाख रुपए का जो वैल्यू था 1,14,800 रुपए हो चुका है। तो यहाँ पर आप चार्ट के माध्यम से धीरे धीरे समझेंगे कि कैसे हमारे पैसे ग्रो होते हैं। एक बार जस्ट हमको लगा देना है और आपको उसको थोड़ा ध्यान वॉच आउट लुकआउट करते रहना है कि कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, कहीं से डाटा ले लिया तो ठीक है, वरना म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं वही इसे अपने आप ग्रो करवाते हैं। अब 1998 में देखिए ये फंड 13.32 रुपए हो गया, जो 10 रुपए का आपका यूनिट था वो 13.32 रुपए हो गया, यानी कि 1 लाख रुपए आपके 1,33,200 रुपए बन गया। उसी प्रकार 99 यानी कि 3 सालों के बाद यह सीधा डबल से भी ऊपर हो गया, 10 रुपए का जो एनएवी था 23.62 रुपए हो चुके हैं, यानी कि 1 लाख रुपए जो अगर आपने निवेश किया, किसी ने निवेश किया था, तो 2,36,200 रुपया बन चुका है। अब उसके बाद थोड़ी ट्विस्ट आती है जो कि हर कोई इन्वेस्टर इसी से घबराता है और अपने पैसे को विड्रॉ कर लेता है। फिर क्या होता है, चौथे साल दिसंबर 2000 में वह एनएवी गिरकर 15.73 रुपए हो जाता है, यानी कि जो 2,36,000 था उस फंड का वैल्यू 1,57,300 के लगभग हो गया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर अपने पैसे को म्यूचुअल फंड यूनिट्स को बेच के पैसे निकाल लेते हैं कि चलो हमें 1.5 लाख रुपए तो मिल गए, हम बहुत खुश हैं। पर इसके बाद ही ये प्रोसेस आता है, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, आपका टारगेट उतने साल का है, 15, 20, 25 सालों का, तो आप अगर इसे छोड़ देते हैं तो कैसे ये मैजिक होता है, मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में, जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ही संभव है। अब यहाँ पर देखिए 90 साल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 2005 में ये फिर 77 रुपए हो गया है। मैं यहाँ पर पॉइंट में आपको बताऊंगा नहीं ताकि बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, तो मैं राउंड फिगर ले लेता हूँ, 77 रुपए के लगभग हो गया, जो कि 1 लाख रुपए आपका 7,75,000 हो गया, यानी कि 9 साल में 7.5 गुना से ऊपर ये पैसे बन गए। धीरे धीरे आप यहाँ पर अगर देखते हैं, देखिए खासकर मैंने ये जो तीन है चार्ट है, 11वें साल, 12वें साल और 14वें साल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत चेंजेस आया है। 2007 में उस एनएवी 10 रुपए की एनएवी का प्राइस था 164 रुपए, यानी कि आपका 1 लाख रुपए 16 लाख रुपए हो गया। बट 2008 में जैसे कि आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में मंदी आ गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, बाजार बहुत ही गिर चुका था, तो वह एनएवी का प्राइस जो था 90 रुपए आ गया, यानी कि जो आपका 16.5 लाख रुपए था वो 9 लाख रुपए आ गया। अगर देखा जाए किसी ने 1 लाख रुपए निवेश किया और उसे 12 सालों में 9 लाख रुपए मिलते हैं तो बहुत ज्यादा था। अगर उस समय इंटरेस्ट रेट की भी मैं बात करूं तो 12% के 13% के आसपास होना चाहिए, या 10-12% जो भी होगा उसके हिसाब से भी ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। 12 साल में आपका 9 गुना पैसा हो चुका है, तो लोग उसे निकालकर खुश हो गए होंगे, चलो हमने 9 गुना ये पैसा पा लिया। बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जिनका नजरिया लंबे समय के लिए रहता है और वे इस फंड में बने रहते हैं जब तक अपने गोल को अचीव ना कर ले, उनको देखिए उनको क्या रिजल्ट मिलता है। 2010 में यानी कि 2 साल के बाद, 2008 के बाद वह फंड 9 लाख से 21 लाख यानी कि 22 लाख के आसपास ये करीबन हो चुका है। तो ये चीज जो है ये पॉसिबल है म्यूचुअल फंड एसआईपी या लमसम के थ्रू ही ये पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर 2015 की बात करूं तो ये फंड जो 10 रुपए का एनएवी था वो 316 रुपए हो गया, यानी कि 1 लाख रुपए की वैल्यू आपका 31,16,000 रुपए बन चुका है। और 2020 में जैसा कि आप जानते हैं कोविड का समय आया था, मार्च में मार्केट बहुत गिर चुका था, गिरने के बाद भी ये फंड यूनिट का दाम ये करीबन मार्च से पहले अगर मैं बात करूं तो 600-700 रुपए के लगभग कुछ था, ये गिरकर 515 रुपए आ गया और वो 1 लाख रुपए की वैल्यू का जो फंड था 51 लाख रुपए हो चुका है। यानी कि 24 सालों में आप यहां पर देखिए 24 सालों में 51 लाख बन चुके हैं आपके 1 लाख। अब मैं तो फ्रेंड्स अगर मैं अभी करंट की बात करूं तो आज की डेट में आप यहां पर देख सकते हैं, अगर सितंबर महीने की बात करें 2022 में तो ये 736 रुपए का यूनिट हो चुका है, यानी कि 73 गुना, 1 लाख रुपए जिसने लगाए थे 1996 में आज 2022 में 73,65,400 रुपए बन चुके हैं। जी हाँ, आप जाकर गूगल पर भी चेक कर सकते हैं एचडीएफसी टॉप 100 के जो फंड की यूनिट है 736 रुपए 54 पैसे है आज की डेट में। तो फ्रेंड्स ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसी से आप अपने लॉन्ग टर्म गोल को अचीव कर सकते हैं। आप ये सोचिए आज अगर आपके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के भी है, तो आप 15 साल 20 सालों के लिए निवेश कर सकते हैं।
आप कहीं पर भी चेक करेंगे, गूगल में जाकर कैलकुलेट कीजिए कि कैसे ये कंपाउंडिंग का पावर काम करता है, तो आप जान सकेंगे। तो धीरे धीरे आज से आप SIP के माध्यम से निवेश को स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि लंबे समय में आपको करोड़ों रुपए बनाकर देगा। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इस स्कीम के थ्रू आप अपने बहुत सारे गोल्स को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो चाइल्ड एजुकेशन के बारे में हो, चाइल्ड मैरिज के लिए। सब कोई अपने बच्चों की एजुकेशन और मैरिज को लेकर चिंतित रहते हैं कि कैसे हम भविष्य में उनके इन सपनों को पूरा कर सकेंगे, पढ़ाई के लिए हो, क्योंकि बच्चे आप भी जानते हैं आजकल MBA या बहुत सारी डिग्री इंजीनियर वगैरह करना चाहते हैं, या डॉक्टरी वगैरह हुए तो आज की डेट में 20-20, 30-30 लाख रुपए लगते हैं। मैंने शायद कम अमाउंट बोला होगा डॉक्टर के लिए, बट इंजीनियर MBA के लिए बात करूं तो 5-10 लाख रुपए मामूली बात है, जो कि 10-20 साल के बाद ये 10 गुना हो जाएंगे। तो इसे अचीव करने के लिए हम SIP के थ्रू कर सकते हैं। रिटायरमेंट भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है जो हमारा गोल होना चाहिए। आज हम स्वस्थ हैं, एज हमारी कम है, तो हम काम कर लेते हैं और इनकम कर सकते हैं, बट जब हम 55-60 साल की एज तक पहुंचेंगे तो उस समय हमारी अगर स्वस्थ सही नहीं होगा, हम काम नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास पैसे अगर रहेंगे तो हम उसे जनरेट कर पाएंगे, एवरी मंथ कुछ इनकम ले पाएंगे, जब पैसे नहीं होंगे तो हम कैसे आगे काम कर पाएंगे। ड्रीम होम बहुत लोगों का अपना सपना होता है, घर खरीदने का, कार का, तो ये सारी प्रायोरिटीज है, सब आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है कि आपका क्या गोल है, कितने समय के लिए है और कब आपको अचीव करना है। ये सब आप अपना डिस्कस सोचिए, विचार कीजिए, प्लानिंग कीजिए और आज से ही निवेश चालू कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ फंड्स है आप देख सकते हैं जिनके पास्ट परफॉर्मेंस के मैंने बारे में बताया है। ये इन्होंने 10 साल के अगर रिटर्न की बात करूं तो 13%, 20%, 15% का रिटर्न दिया है। एवरेज अगर ये 10 फंड की मैं बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 16.5% का रिटर्न आ रहा है। जी हाँ, और सिंस इंस्पेक्शन की बात करूं तो ये फंड यहाँ पर कब कब से चालू है और उन्होंने उस समय से लेकर आज तक कितना रिटर्न दिया है, इसका भी मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो आप चाहे तो इन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां पर भी आप जाकर इजिली निवेश कर सकते हैं और मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पूरा गाइड करूंगा कि कैसे आपको निवेश करना है, क्या करना है, कितना अमाउंट करना है आपके गोल को लेकर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर वहां पे विजिट कीजिएगा। आप डाउनलोड करने के बाद मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो पोस्ट करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।